इसके बाद भारत आए। भारत में उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा बढ़ते हुए अत्याचार को देखा, जिसके कारण उनमें देश प्रेम की भावना जागृत हुई। उन्होंने आईसीएस से त्यागपत्र दे दिया और देश में जुड़ गए। इसी कारण उन्हें कई बार जेल की यातनाएं भी करनी पड़ी। सन 1927 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस सेवा दल का सेनापति चुना गया। साथ ही अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुने गए। गांधी जी के आंदोलनों से सुभाष चंद्र बोस ये समझ गए थे कि अहिंसा के मार्ग पर चलने से भारत को कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, अंग्रेज कभी भारत नहीं छोड़ेंगे। अतः उन्होंने युवाओं से कहा, तो मुझे ढूंढो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, सुनो तुम्हारे शीशों पे फूलों से गुथी जाएगी। इसके बाद एक बार कारागार के निरीक्षक सो गए, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां से निकलकर पेशावर पहुंचे। पेशावर में वह कुछ दिन ठहरे। जियाउद्दीन नाम से उन्होंने हवाई यात्राएं की। जर्मनी पहुंचकर वे हिटलर से मिले, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हिटलर भी अंग्रेजों के खिलाफ थे तथा सुभाष चंद्र बोस भी उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। हिटलर ने जापानी मदद से भारत में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए उन्हें कार्यक्रम दिया, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने साकार किया। उनकी मृत्यु आज भी रहस्यमय बनी हुई है, किंतु उनकी आजादी की फौज का नाम अंग्रेजों की रूह कपा देता होगा। वे ठंडे प्रदेश के निवासी पसीने में तर बतर हो जाते होंगे।